स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स के चैप्टर थ्री के एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 27। तो इनमें से कौन सा नंबर 27 का मल्टीपल नहीं है? तो वन के टेबल पे 27 आता है, थ्री के टेबल पे भी आता है, नाइन पे भी आता है, और सिक्स पे 27 नहीं आता। तो ये ऑप्शन सिक्स आ जाएगी, और सॉरी डी आ जाएगी, ऑप्शन सिक्स नंबर है जो 27 इसके टेबल पे नहीं आता है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो है 2 आता है, तो यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 आता है हमारे पास काउंटिंग के अंदर, 4 नंबर में, तो ये सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4। उसके बाद है द प्राइम नंबर विच इज इवन, तो इसमें से इवन प्राइम नंबर बताना है। 5, 3 और 10 दोनों, ये तो 10 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 5 और 3 ऑड है, तो इसमें 2 एक इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है, 1 इज एन इवन नंबर, ए प्राइम नंबर, ए कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन जो है ना ही प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज, तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सबसे पहले ऑड नंबर आता है 1, तो यही स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 1। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारे पास 2 है। नेक्स्ट है, द लीस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15, 1 और 15 में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा? तो अगर काउंट करें तो 1 और 15 के बीच में सबसे पहले प्राइम नंबर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 और 7, तो स्मॉलेस्ट पूछा है, लीस्ट लीस्ट में छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। उसके बाद ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20, 1 और 20 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो पीछे देखेंगे 20 से पीछे 19 प्राइम नंबर है, तो 1 और 20 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 19 है, तो ये 19 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? 12, 21, 17 और 39। तो इसमें कौन सा नंबर जो है प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल पे जाता है, 1 पे आता है, तो वो 17 है, तो 17 पे टिक करेंगे सी ऑप्शन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट, इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है जो अपने टेबल पे आता है या दूसरे टेबल पे भी आता है? तो ये 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 17 प्राइम है, 6 कंपोजिट नंबर है, 2 और 3 पे भी आता है, बस ऑप्शन डी आ जाएगी। उसके बाद है, 128 इज डिविजिबल बाय, तो 128 किस पर डिविजिबल है? तो 128 इवन नंबर है, तो ये लास्ट में इवन है 8, तो ये 2 पर डिविजिबल होगा, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी ए। उसके बाद 1331 इज डिविजिबल बाय, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा, तो यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन से लगा सकते हैं? ग्रामर की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, ओड और इवन डिजिट का प्लस करेंगे, ये ओड डिजिट है 1 और 3 और इवन डिजिट भी 1 और 3 है, तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ये 11 पे डिविजिबल होंगे, 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20, तो 8 और 20 के हमने देखना कि सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, तो 8 और 20 दोनों देखने कौन से बड़े टेबल पे जा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 पे जा सकते हैं, 4 के टेबल पे 8 भी आता है और 4 के टेबल पे 20 भी आता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15, तो 9 और 15 दोनों एक ही टेबल पे किस पे जा सकते हैं? 3 के टेबल पे,
थ्री टेबल पे 9 भी आता है और थ्री टेबल पे 15 भी आता है। तो 3 3 9, 3 5 15 होता है, बाकी किसी टेबल पे दोनों नहीं आते, इसका मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग नंबर आर नॉट को प्राइम। तो इनमें से को प्राइम नंबर कौन से नहीं है? तो को प्राइम नंबर जिनका एक्स से 1 होता है, तो ये 7 और 15, तो ये इसका एक्स से 1 आएगा, एक ही टेबल पर नहीं आते। 12 और 49, तो ये भी एक ही टेबल पर नहीं आते, इसका एक्स से 1 आएगा। 12 और 21, ये दोनों 3 के टेबल पर आते हैं, इसका मतलब जिनका एक्स से 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्स से 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल पर आते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगी, ये को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एच सी एफ ऑफ 8 एंड 12 इज। तो 8 और 12 का एच सी एफ क्या होगा, हम निकाल के देख सकते हैं। 8 और 12 का लॉन्ग डिविजन से निकाल के देखते हैं, एल को अंदर को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 अंदर 8, फिर 4, फिर 8 को अंदर रखेंगे, 4 2 8, तो एच सी एफ आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी है हमारे पास 4, तो डी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है द एच सी एफ ऑफ 24 एंड 36। तो हम सीधा भी एच सी एफ निकाल सकते हैं कि सबसे बड़े टेबल पे कौन कौन से बड़े टेबल पे दोनों आते हैं। 36 और 24 दोनों बड़े टेबल पे 6 पे आ सकते हैं, सबसे बड़े टेबल पे जो 6 पे दोनों आते हैं, 6 4 6 6। उसके बाद दोनों किसी एक ही टेबल पे नहीं आते, यहाँ पे एच सी एफ है जो वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है एच सी एफ ऑफ 36 एंड 84। अब ये भी देखना है कि 36 और 84 दोनों बड़े टेबल पे किस पे आते हैं, तो ये मैक्सिमम जो है बड़े टेबल पे वो 12 पे आते हैं, 12 12 3 12 7। तो इनमें हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है 12, तो 12 एच सी एफ आ जाएगा 36 और 84 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 0 1 1 5 3 इज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे नंबर दिया 2, तो लास्ट में इवन नहीं है, तो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो डिजिट का प्लस करके देखिए, 9 और 1 10 और 1 11 और 5 16 और 3 19 नहीं जाएगा। अब 11 दिया हुआ ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे और डिजिट और इवन डिजिट का डिफरेंस देखेंगे सम करके, 9 और 1 10 10 और 5 15। अब इवन वाले डिजिट प्लस करेंगे, 0 और 1 1 और 3 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा, जो कि 11 पे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 11 आ रहा है और इवन डिजिट के सम का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगी, 11 पे डिविजिबल होगा नंबर। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। तो हम चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर 1 प्लस 3 और एक इवन ले लें 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, इवन आ जाएगा। फिर चेक करते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 में 8 ले लेते हैं, तो ये 20 बन गया, तो ये भी इवन है, तो यहाँ पे हम इवन ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देन इट इज डिविजिबल बाय। तो अगर नंबर 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल है, तो नंबर डेफिनेटली 6 पर डिविजिबल होगा, तो आंसर सी आ जाएगा, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, द एच सी एफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर लेंगे तो उसका एच सी एफ हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 72। 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा, हम निकाल सकते हैं 36 और 72 का 36 और 72, तो 6 पे कर सकते हैं, 6 6 का और यहाँ पे 12 का, फिर 6 पे 6 1 का और 6 2 का, आगे नहीं जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा पास आ जाएगा 6 6 72 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास,
और 72 तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन के ऊपर मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज नंबर इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबका फैक्टर होता है, तो ओनली वन ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर देखेंगे, ये 2^4 728 बन रहा है, ये 2^4 5 10 70 210 बन रहा है, ये 2^4 5 20 बन रहा है, ये 2^4 5 20 140, और ये सारे प्राइम नंबर हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन के ऊपर मार्क है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 उन्होंने कहा कि नंबर जो है मल्टीपल 2 के हैं उसको क्या बोलेंगे, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये ऑप्शन बी आएगी, इवन नंबर। नेक्स्ट है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन कंपोजिट नंबर। ए नंबर विच हैज इधर 0 और 5 एट वन प्लेस, ये डिविजिबल है, जिसके लास्ट पे 0 और 5 होगा वो किस पे डिविजिबल होगा, 5 पे, तो 5 पे टिक करेंगे। तो ये हमने चैप्टर 3 के MCQs किए, तो आपको अच्छे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।